हेलो डियर एस्पिरेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। सो डियर एस्पिरेंट्स, आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, हम डिस्कस करने जा रहे हैं ए आर ओ यानी आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस जम्मू की जो नोटिफिकेशन आई थी उसको पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आज मतलब इस नोटिफिकेशन को मैंने डाउनलोड करा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस नोटिफिकेशन को हम डिटेल में एक बार देख लें कि इस नोटिफिकेशन के अंदर जो है वो क्या क्या लिखा है और कैसे कैसे है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस नोटिफिकेशन को और लेट मी टेक सम मार्कर इफ आई कैन। ठीक है, तो हाइलाइटर, यस हाइलाइटर है यहाँ पे। ठीक है, सो डियर एस्पिरेंट्स क्या है इसमें, थोड़ा सा नीचे लेके जाते हैं नोटिफिकेशन को। तो एप्लीकेशन इनवाइटेड फ्रॉम डोमिसाइल ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उधमपुर, रजौरी, पुंछ, रियासी, ये सब लिखा हुआ है। और फेज की बात करें, जो पहला फेज है इसका, दैट इज रिक्रूटिंग ईयर 2022-23 ऑफ अग्निवीर विल कैरिड आउट इन टू फेजेस। दो फेज में ये पेपर होगा। जो पहला फेज है ये कौन सा है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। पहले आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और जो दूसरा फेज है इसमें आपकी रैली होगी, यानी फिजिकल वगैरह जो भी है वो इसके अंदर कवर होगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं, आगे नीचे चलते हैं। प्रोसीजर क्या है इसका, प्रोसीजर ऑल कैंडिडेट्स टू ज्वाइन टू इंडियन आर्मी इन, मतलब ये फॉर्म वगैरह भरने थे, कल इसकी लास्ट डेट है और आई होप सो सभी ने भर भी दिया होगा। एग्जामिनेशन फी जो है इसकी 250 रुपया है पर एप्लीकेंट इज टू बी पेड। चलो ये फीस वगैरह थी, ये अभी लास्ट डेट है इसकी, 250 इसकी फीस है। ठीक है, और ये सारा कुछ प्रोसीजर है, ये जो अप्लाई कर रहे हैं उनके पास है, तो आप समझ सकते हो इसमें कुछ खास देखने के लिए नहीं है, क्योंकि अभी तक तो काफी लोगों ने अप्लाई कर रहा होगा। एक जो इम्पोर्टेंट चीज है इसके अंदर, हम उसको डिस्कस करेंगे, उसी के लिए इस नोटिफिकेशन को मैंने वास्तव में खोला है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को बाकी सब पता है, हाइट वेट जो भी उनका है, जितना चाहिए क्या वो चाहिए, मैक्सिमम नो पीपल अबाउट नो दिस थिंग। सिर्फ एक पैराग्राफ है जिसमें दिक्कत, जिनमें बच्चों ने जिस चीज को नहीं पढ़ा, हम उसको जो है वो पढ़ने वाले हैं। बाकी पूरी नोटिफिकेशन है, फिजिकल स्टैंडर्ड कैसे कैसे होगा, कितनी वैकेंसीज हैं, क्या पोस्ट है, वो सारा का सारा है। हम दो चीजों में डिस्कस करेंगे, इसकी सैलरी और एक इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ जिसमें जिसमें कि बहुत अच्छी जबरदस्त न्यूज है। ये देखिए, यहाँ 19 कॉलम में जब आप आते हो तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन लिखा हुआ है पूरा बड़े बड़े इसमें, कि ओनली अनमेरिड कैंडिडेट विल बी एलिजिबल फॉर एनरोलमेंट एज अग्निवीर। अग्निवीर के लिए जो अनमेरिड कैंडिडेट है वही अप्लाई कर पाएंगे, एंड दे मस्ट अंडरटेक नॉट टू मैरी ड्यूरिंग द डिफाइंड एंगेजमेंट पीरियड ऑफ 4 ईयर। और उनको एक अंडरटेक देना पड़ेगा, मे बी एफिडेविट जो है वो देना पड़ेगा, कि वो जैसे उनकी ज्वाइनिंग होगी तो एफिडेविट भी हो सकता है, अंडरटेक मतलब एफिडेविट के तौर पर ले सकते हैं आपके, कि 4 साल तक आप शादी नहीं करेंगे। ठीक है, नॉट टू मैरी ड्यूरिंग द डिफाइंड एंगेजमेंट पीरियड ऑफ 4 ईयर्स नहीं कर सकते। और अग्निवीर हु मैरी ड्यूरिंग द सेट पीरियड वुड बी रिलीज फ्रॉम सर्विस। कि जो अग्निवीर जो है वो शादी करेगा है ना, तो वो सर्विस से रिलीज हो जाएगा, मतलब रिलीज कर दिया जाएगा। फर्दर ओनली अनमेरिड अग्निवीर विल बी एलिजिबल फॉर रीएनरोलमेंट। और फिर से अगर किसी ने शादी कर ली और 4 साल के बाद अग्निवीर जो है अगर वो मतलब हो जाता है, तो अगली बार अग्निवीर के लिए वो अप्लाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो तो मैरिड हो गया ना। अग्निवीर के लिए जो फॉर्म लगते हैं ये अनमैरिड लोगों के ही लगते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जो बच्चे ये सोच रहे थे कि मतलब जैसे ही सिलेक्ट होंगे तो हम शादी वगैरह कर लेंगे, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। कम से कम मतलब 4 साल के बाद जब आपका टाइम पीरियड खत्म होगा, और 5वें साल में आप जो है आगे उसको कर सकते हैं शादी वगैरह, जब आप रेगुलर हो जाओ, उससे पहले नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसी नोटिफिकेशन के लिए हमने शुरू करा था इसको। और भी देखिए इसमें क्या कंपनसेशन आपको मिल सकता है। देखो, अग्निवीर विल बी प्रोवाइडेड नॉन कंट्रीब्यूटरी लाइफ इंश्योरेंस। आपको क्या मिल रहा है, लाइफ इंश्योरेंस मिल रहा है, बहुत सारी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड हो रही है। क्या है ये, ठीक है, अग्निवीर विल बी प्रोवाइडेड नॉन कंट्रीब्यूटरी लाइफ इंश्योरेंस कवर 48 लाख, कवर 48 लाख का आपको लाइफ इंश्योरेंस मिल रहा है फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द एंगेजमेंट पीरियड एज अग्निवीर एंड इन द इंडियन आर्मी। अग्निवीर विल नॉट बी गवर्न्ड बाय प्रोविजन कंटेन्ड इन द पेंशन रेगुलेशन, मतलब पेंशन वगैरह नहीं होंगी, लेकिन 48 लाख का आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, इन लाइफ कवर इंश्योरेंस मिल रहा है। तो बहुत जबरदस्त है ये भी है ना, अगर भगवान ना करे कुछ ऐसा आपको होता है, तो 48 लाख का आपका इंश्योरेंस भी उन्होंने कर रखा है, ये बहुत अच्छा है। चलो आगे चलते हैं, और भी कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो हम उसको डिस्कस करेंगे। इसमें इसका जो अभी आपका सैलरी वगैरह कितना है उसको देखते हैं। यहाँ पे कहीं था नीचे सैलरी, सैलरी को डिस्कस करा था, और सैलरी इस पे ऊपर है।
वेट वेट वेट। हाँ ये देखिए, तो सैलरी जो पहले साल आपकी सैलरी जो रहेगी पहले साल वो रहेगी 30,000 और आपके हाथ में आएगा 21,000, ठीक है। 9,000 आपका फंड में जाएगा, कॉर्पोरेट फंड में जाएगा और 9,000 गवर्नमेंट डालती है अपनी तरफ से, तो ये रहेगा। उसके बाद दूसरे सेकंड ईयर की बात करो तो आपका जो है ये रहता है 33,000 और इन हैंड आपको आएगा 23,100 रुपया, 23,100 रुपीज, और कॉर्पस फंड में जाएगा 9,900 और जीवाई 9,900 गवर्नमेंट अपनी तरफ से डाल के देती है। और थर्ड ईयर में 36,500 रहेगी और हाथ में आएगा 25,550 जो इन कैश मिलेगा, और 10,000 सॉरी अकाउंट में आएगी जो सैलरी 10,950 जो है वो आपका कॉर्पस फंड में जाएगा और 10,950 गवर्नमेंट अपनी तरफ से डालेगी। और वैसे फोर्थ ईयर में आपकी 40,000 सैलरी रहेगी, 28,000 मिलेगा, 12,000 कटेगा और 12,000 गवर्नमेंट अपनी तरफ से डालेगी। टोटल कंट्रीब्यूशन अग्निवीर कॉर्पस फंड के अंदर ये 5.02 लाख जो है ये रहेगा, मतलब 5.02 लाख के करीब करीब 4 साल का। और ओवरऑल बात करें जब आप एग्जिट होके आओगे तो सेवा निधि पैकेज के अंतर्गत आपको 10.10 मतलब 10 लाख के करीब मिलेगा, ठीक है। एब्सोल्यूट अमाउंट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, इसमें इंटरेस्ट निकाल के ये अमाउंट जो है ये है। तो इसी न्यूज के लिए मैंने आज की ये वीडियो छोटी सी बनाई थी जिसमें मैंने इसकी नोटिफिकेशन को देखा है। सो डियर कैंडिडेट्स खींच दीजिए काम, बढ़िया अग्निवीर बनिए और भगवान करे आपका 25% पे जो है जो उसको आपका नंबर आ जाए। सो ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलेगा, और बस ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। जय हिंद।